हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक जेईई स्टडी। आप सभी एक बार फिर से स्वागत है। कैसे हो आप सभी? आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आपका इरिगेशन का टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लगभग हो चुके हैं। आज रिवर ट्रेनिंग वर्क स्टार्ट करना है, तो सभी लोग एक बार जो भी हो जहाँ पे भी हो आ जाओ। अगर कोई भी देख रहा है ठीक है तो शेयर भी कर देना, आप लोग लाइक शेयर में कमी नहीं रखना है। ओके, और ज़्यादा से ज़्यादा ठीक है आप लोग क्या किया करो, क्लासेस को लाइव लेने की कोशिश किया करो। बाद में देखते हो, ये बात मुझे पता है ठीक है कि बाद में देखते हो क्योंकि टाइम की शॉर्टेज अभी मानता हूँ, समझता हूँ ठीक है। लेकिन कुछ अब तो सारी क्लासेस 1 ही घंटे की हो रही है ना, 1 घंटे की क्वेश्चन प्रैक्टिस सोम की भी हो रही है, आपका 1 घंटे का ये भी क्लास चल रही है, 1 ही घंटे की आगे की भी क्लास चल रही है। तो कोशिश क्या करो, उसको लाइव लेने की कोशिश करो। बाद में क्या होता है, आप स्पीड बढ़ा के देखते हो ना तो एक मतलब ये फिनोमेना बन जाता है कि बस मुझे ये आज का टास्क कंप्लीट कर लेना है, किसी भी तरह कर लेना है, कर लेना है ठीक है। उसमें एक्यूरेसी वो आपकी 100% नहीं रहेगी, 70-80% मैं मान सकता हूँ मैक्सिमम। क्योंकि कई जगहों पे क्या होता है कि आप डबल फीड करके या बढ़ा के देख रहे हो स्पीड, बाद में क्या होता है कि दिक्कत, जैसे कोई अचानक कुछ बोल दिया, फिर आपने सोचा चलो इतना तो मुझे आता ही है, इसके आगे सुनते हैं, लेकिन कहीं कहीं पे वो पॉइंट आपके काम कर जाते हैं। ओके, आशीष सोनकर गुड आफ्टरनून, ठीक है शेयर कर दो बेटा एक बार चारों तरफ। रिवर ट्रेनिंग वर्क स्टार्ट करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस कुछ काफी हद तक मैंने हम लोग ने आपके वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप चैनल्स से कर लिया, इरिगेशन सिस्टम से कर लिया, डिजाइन से कर लिया ठीक है, कैनाल डिजाइन से। अब उसके बाद के भी एक आध चैप्टर हमने थोड़े बहुत किए थे। ओके, कैनाल हेडवर्क वगैरह से, आपके कैनाल एविएशन वर्क से थोड़े बहुत आपके चीजें। अब देखो जो रिवर ट्रेनिंग वर्क हो जाएंगे तब जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना तब और ज्यादा चीजें क्लियर होंगी ठीक है, तब ज्यादा आपको भी समझ में आएगा और मजा भी आएगा। और फिर उसके बाद फिर आपका डिजाइन ऑफ डैम ठीक है, डिजाइन ऑफ डैम और वाटर लॉगिंग हो सकता है अगर आज समय रहा तो वो भी बता देंगे ठीक है। तो देखो रिवर ट्रेनिंग वर्क में हमें क्या करना है ठीक है, टॉपिक आपका है रिवर ट्रेनिंग वर्क, रिवर ट्रेनिंग वर्क्स ठीक है। रिवर ट्रेनिंग वर्क्स जो आपके हैं ठीक है, इसमें आपका क्या है कि रिवर की ट्रेनिंग का मतलब ये है कि रिवर को ऐसा हमें बनाना है कि उसका जो पानी है वो अपने चैनल में बना रहे ठीक है, और जो कभी फ्लड वगैरह आता है तो किनारों पे हमें ऐसी व्यवस्था करनी होगी कि वो अपना स्ट्रीम ना चेंज करे, वैसे ही बना रहे ठीक है। तो उसके किनारे कुछ व्यवस्था करना ठीक है, और कुछ हमें बातें और भी देखनी है इसमें कि ग्रॉयनेज क्या होते हैं, स्पर्स क्या होते हैं, ग्रॉयनेज स्पर्स हैं आपके, लेवीज हैं ठीक है, वो सारी चीजें जो होती है आपने देखा होगा, पढ़ा होगा बीटेक या डिप्लोमा, तो वो चीजें हमें यहाँ पे उसको क्लियर करना है सारी चीजें ठीक है। और फिर थोड़ा बहुत आपका वाटर लॉगिंग एक टॉपिक था, तो वाटर लॉगिंग भी अगर आज समय रहा तो वो भी देखेंगे। ओके, रिवर ट्रेनिंग में आपका ये सारी चीजें हमें लेकर के चलना है कि रिवर जो है आपका वो अपने स्लो अपने चैनल में बना रहे, अपने जो एक उसका अलाइनमेंट है वो अपने अलाइनमेंट में ही बनी रहे ठीक है। फ्लड की कंडीशन आती है तो भी हमें ऐसी व्यवस्था करनी है कि सब कुछ वैसे ही रहे। ओके, ये सारी चीजें हमें इसमें देखना है। तो एक बार आ जाओ, शेयर कर दो आप लोग ठीक है, शेयर कर दीजिए, फिर चलते हैं अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं ठीक है। चलो देखो आपका है पहला बिहेवियर ऑफ रिवर, क्या है बिहेवियर ऑफ रिवर, यानी कि रिवर ट्रेनिंग में रिवर का बिहेवियर कह रहा है ठीक है। तो क्या होता है आपका कि रिवर जो होती है आपको आपको सभी को पता है कहाँ से निकलती है, ज्यादातर जो केसेस हैं ज्यादातर क्या होता है रिवर आपकी कहाँ से निकलती है, पहाड़ों से, माउंटेन से ठीक है। फिर वहां से निकल करके, ये एक दिन मैंने क्लास में टॉपिक बताया हुआ है कि पहाड़ों से पहले निकलती है जिसको हम रॉकी स्टेज बोल देते हैं, फिर उसके बाद फिर वहां से आती है आपकी बोल्डर स्टेज में ठीक है, जिसको फिर उसके बाद वहां से एलुवियल और लास्ट में आपके डेल्टा ठीक है। तो ये जगहों पे आती है जहां पे हमने ये उस दिन क्या देखा था, हेडवर्क देखा था कि हेडवर्क कहाँ बनाते हैं, तो हेडवर्क ना तो रॉकी स्टेज में बनाते हैं ना तो डेल्टा स्टेज में। ये क्या था आपका, तो आपका सब में था और आपका दूसरा क्या था एलुवियल में बनाते थे। तो एलुवियल मतलब कि जहां से एलुवियल आपके निकलने एलुवियल रिवर कहने लगते थे तो वहां पे हम हेडवर्क बनाते थे। यहाँ पे भी आपका वही चीज बता रहा है कि आपका रिवर कहाँ से निकलती है, टेक ऑफ का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, निकलना थी कहाँ से निकल रही, पहाड़ों से निकल रही है और फ्लो अलॉन्ग मोर और लेस डिफाइंड टेरेन माउंटेनियस प्लेन ठीक है। आपके कहाँ से मतलब कि कहाँ से बह रही है, माउंटेनियस प्लेन में आपकी बह रही है ठीक है, और लास्ट में कहाँ चली जाती है, रिवर के एक लास्ट कहाँ पे मीटअप होता है, समुद्र में ठीक है। जैसे आप एग्जाम्पल सबसे बेस्ट है आपके पास गंगा नदी, कहाँ से गंगोत्री से निकलती है और लास्ट में कहाँ मिल जाती है आपकी, आपके बंगाल से होते हुए समुद्र में अपने चली जाती है ठीक है। तो वो चीज है यहाँ पे। अब इसके साथ रिवर क्या करती है, आपने हमने जो कैनाल डिजाइन में पढ़ा था क्या वहां पे पढ़ रहे थे कि सिल्टिंग और स्कोरिंग को कंट्रोल करना है, तो रिवर अपने साथ क्या ले आती है, सिल्ट ले आती है, सेडिमेंट्स ले आती है ठीक है। उनकी वजह से क्या होता है कि जो एक्चुअल उसका रीजन है ठीक है, मान लेते हैं कि हमारा एक्चुअल रीजन ठीक
ठीक है, कुछ ये है रिवर का, लेकिन क्या हो रहा है कि आप इतना ज्यादा अपने साथ सिल्ट ले आई है, इतना ज्यादा सेडिमेंट ले आई है कि यहाँ पे एक अलग से बैंक बन गया, एक अलग किनारा बन गया, ठीक है, और रिवर का स्ट्रीम कम हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें प्रॉब्लम होती है। देखिए आपका लिखा कैरी ह्यूज अमाउंट ऑफ सिल्ट एंड सेडिमेंट इन एडिशन टू ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि ये क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके, आपके रिवर जो है इसके डिस्चार्ज वगैरह में बाकी सारी चीजों में अफेक्शन अफेक्ट करते हैं। ओके, तो ये सारी चीजें। अब इसके बाद जैसे क्या है कि ये जो प्रॉब्लम आती है, ठीक है, सिल्ट और सेडिमेंट से क्या होता है, फ्लड लेवल इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, सिल्टिंग रिजर्वायर में हो जाती है, ठीक है, जैसे आप देखते हो कि कैनाल या रिजर्वायर बनाते हैं तो वहां सिल्टिंग प्रॉब्लम आती है, इसीलिए तो हम लोग सिल्ट इजेक्टर और सिल्ट एक्सक्लूडर लगाते हैं, है ना, तो ये सारी प्रॉब्लम आती है। फिर मेंडरिंग है। अब जैसे देखो, अब बहुत ज्यादा अगर सिल्ट जम गई कहीं पे, मान लेते हैं इतना भाग में यहाँ सिल्ट ही जम गई, तो आपका जो रिवर का स्ट्रीम है वो कुछ इस तरह से हो जाएगा ना, देखो, ठीक है, फिर इधर से उधर से, तो यही है, ये मेंडरिंग हो जाती है। फिर आगे ये भी डिटेल में देखेंगे। तो ये किस वजह से हो रही है कि बहुत ज्यादा डिपॉजिट्स आ गए, सेडिमेंट आ गए, बालू के छोटे कण आ गए, सिल्ट आ गए, यहाँ पे जम गए। तो क्या हुआ कि नदी क्या है कि जब क्या है कि अपने उफान पे नहीं, मतलब फ्लड में तो पूरा पता ही नहीं चलता कहाँ तक आपका मेन चैनल है, लेकिन जब फ्लड नहीं कंडीशन रहती है तो उस समय नदी का कुछ इस तरह से फिर स्ट्रीम चैनल हो जाएगा। तो ये चीजें हैं, ये चीजें हमें देखना है रिवर ट्रेनिंग में, ये सारी चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अब कुछ और चीजें, ठीक है। देखो अब क्लासिफिकेशन की बात करें, ठीक है, क्लासिफिकेशन रिवर के क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है आपका रिवर इन हिल, क्या है रिवर इन हिल, दूसरा है आपका रिवर इन एलुवियल प्लेन और रिवर इन डेल्टा। हिल का मतलब जहां से निकल रही है और थोड़ी दूर तक पहाड़ तो रहते हैं, जैसे उत्तराखंड में गंगोत्री से जब गंगा निकलती है, गंगा नदी, तो वहां पहाड़ों से होते हुए जब उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है, तब ये मान लीजिए कि आपके पहाड़ वाली कंडीशन काफी हद तक खत्म हो गई है, एलुवियल प्लेन में वो आ गई है। तो ये हो गया आपका रिवर इन हिल, वही चीज आपके यहाँ लिखा है, रिवर जर्नी टेक ऑफ फ्रॉम माउंटेन एंड फ्लो थ्रू हिली रीजन, कहाँ से वही बताना कि फ्लो थ्रू हिली रीजन से आपका फ्लो हो रहा है और बिफोर ट्रावर्सिंग द प्लेन, यानी कि एलिवल प्लेन से मिलने से पहले आपके आपके क्या हो रहा है आपका वो हिली रीजन में फ्लो कर रही है, ठीक है। और फिर उसके बाद आपके इसको सब डिवाइड किया गया, एक तो रॉकी रिवर स्टेट, दूसरा बोल्डर रिवर स्टेट। रॉकी रिवर स्टेट मतलब पूरे की पूरे एकदम पहाड़ों के बीच से ही निकल रही है, पूरा एकदम सब रॉक्स है, ठीक है। अब बोल्डर का मतलब कि जब वो स्ट्री आपके आ गई है, ठीक है, आपके ग्राउंड पे आ गई, ठीक है, बेड पे आ गई, तो वहां पे बेड में क्या है, ज्यादा ज्यादा आपके क्या है, बोल्डर्स हैं, क्या है, बोल्डर्स हैं, ठीक है। तो वो हो गया आपके दो स्टेट, रॉकी और बोल्डर। दूसरा आपका क्या है, रिवर इन एलुवियल प्लेन। रिवर इन एलुवियल प्लेन का मतलब आपके जो रिवर है वो आपके एलुवियल फ्लड प्लेन में आ गई, कहाँ पे आ गई, एलुवियल फ्लड प्लेन, यानी कि एलुवियल कह सकते हैं एलुवियल कंडीशन उसकी मिल गई है, आप पढ़ते हो सॉइल में ना, एलुवियल सॉइल, ठीक है, तो वहां से चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। तो वही है कि एलुवियल प्लेन में अब आपकी रिवर आ चुकी है, और इन्हीं जगहों पे आप जो भी ट्रेनिंग करनी है, रिवर ट्रेनिंग करनी है, कैनाल हेडवर्क्स बनाने हैं आपको, और आपका कैनाल रेगुलेशन वर्क करने है, ये सारी चीजें आपकी कहाँ पे होती हैं, इस जगह पे जब आपकी रिवर आ जाती है। ओके, तो ये चीज आपका हो गया। फिर तीसरी कंडीशन क्या है, रिवर इन टाइडल रिवर। टाइडल रिवर का मतलब ये है, देखिए टाइडल रिवर का मतलब, ठीक है, देखिए टाइडल रिवर जिसका मतलब ये है कि आपका जो रिवर है वो अंतिम में कहाँ पहुंच गई है, आपके समुद्र में, लेकिन 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 मान लेते हैं जैसे आपकी नदी है कुछ इस तरह से इतनी चौड़ी है और समुद्र में यहाँ पे आपकी मिल रही है, लेकिन समुद्र में क्या आता है, टाइड्स आते हैं, ज्वार भाटा जिसको बोलते हैं, तो उसकी वजह से कि इसका जो डिस्चार्ज है कभी बढ़ जा रहा है पानी बाहर, जब जैसे क्या ज्वार भाटा कंडीशन आते, एक बार आया तो बढ़ गया पानी, फिर भाटा आया, जो भी आया तो कम हो गया, ज्यादा कम कंडीशन आपकी लगी हुई है, तो वो हो जाता है आपका टाइडल रिवर, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि आपका समुद्र का पानी नदी में प्रवेश कर रहा है, फिर जा रहा है, तो वो चीज उस जगह पे जहां पे आपकी नदी समुद्र से मिल रही होती है, ठीक है, तो ये चीज आपका हो गया टाइडल रिवर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपके पास है स्ट्रेट चैनल, देखिए जो आपकी नदी आ रही है, ठीक है, कई तरह से आ सकती है, एक तो स्ट्रेट मतलब जहां से चली एकदम सीधी 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 पहुंच गई समुद्र के पास, कहाँ पहुंच गई, सीधे एकदम, ठीक है, कहते नहीं नाक की सीध में चले जाओ, तो वो आपका कहाँ पहुंच गया, एकदम सीधे अपनी निकली और समुद्र में चली गई। दूसरी क्या है कि दूसरा आपका क्या है, मिंडरिंग, यानी कि नदी ऐसे निकली फिर ऐसे घूम टहल के अपना मतलब कि
घूमने टहलने गई है, फिर उसके बाद फिर अपना लास्ट में समुद्र में मिल गई। ओके, तीसरा आपका क्या है, ब्रेडेड रिवर, यानी कि जैसे क्या है कि बहुत ज्यादा जब सेडिमेंट आते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा सेडिमेंट्स आ गए हैं नदियों के साथ, पानी के साथ ही सेडिमेंट आएगा ना, तो वो कहीं इकट्ठा हो गए तो उसकी वजह से क्या है, कुछ ब्रांच बन जाती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, देखिए एक ब्रांच इधर एक ब्रांच, ये सब आपके सेडिमेंट जमा है, तो क्या है कि नदी को अपने क्या है बहाव को चेंज करना पड़ रहा है, ठीक है। बीच बीच में सेडिमेंट है, छोटे छोटे कह सकते हैं सेडिमेंट के आइलैंड बन गए हैं, लेकिन ये कब दिखते हैं, जब आपके फ्लड कंडीशन नहीं रहती। फ्लड में तो पूरा देखते हो, पूरा डूब जाता है, दूर दूर तक कुछ पता ही नहीं चलता है ना, तो वो चीज है। तो अब ठीक है, देख लेते हैं, अब मिंडरिंग की कंडीशन को मेन माना गया, तो मेन देख लेते हैं, मिंडरिंग, ब्रेडेड और डेल्टाइक रिवर, ठीक है। आपका देखिए मिंडरिंग क्या है, आपका मिंडरिंग अभी जस्ट बताया कि आपका जो रिवर है वो जब जहां से निकल रहा है वहां से लेकर के समुद्र तक पहुंचने में बहुत ज्यादा बेंड है उसमें, ठीक है, क्या है, बहुत ज्यादा बेंड उसमें दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या कहलाएगा, मिंडरिंग कहलाएगा, ठीक है, क्या कहलाएगा, मिंडरिंग, ठीक है। ये सारी चीजें देखिए यही आपका है, देखिए इतना ज्यादा बेंड हो रहा है तो ये आपका क्या हो गया, मिंडरिंग। ओके, अब ब्रेडेड रिवर में देखिए क्या है कि आपका जो नदी चल रही है, ठीक है, जो पानी बह रहा है, बीच बीच में क्या है कि सेडिमेंट जमा हो गए हैं, तो पानी थोड़ा सा इधर निकल गया, थोड़ा सा इधर से जा रहा है, फिर यहाँ आया, तब यहाँ से जाना पड़ रहा है इधर से और इधर से, तो ये सेडिमेंट की वजह से जब अपना क्या है कि रास्ता थोड़ा सा चेंज करना पड़े, ठीक है, तो वो हो जाता है आपका ब्रेडेड रिवर, क्या है आपका, ब्रेडेड रिवर। ओके, शेयर कर दीजिए बेटा इसको, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, चलो ब्रेडेड रिवर। और लास्ट में आपका क्या है, देखिए ब्रेडेड रिवर भी लिखा भी यही है आपको, ठीक है, देख रहे होगे, ब्रेडेड रिवर दैट फ्लोज थ्रू चैनल सेपरेटेड बाय स्मॉल सेडिमेंट बार, क्या है ये, छोटे सेडिमेंट बार है, छोटे मतलब कि कह सकते हैं जो नदियों के साथ हम बालू आ जाता है ना, देखते होगे नदी के किनारे क्या रहता है, बालू जमा रहता है, ठीक है, बालू जमा रहता है, ठीक है, वही चीज क्या है कि इतना ज्यादा आ जाए कि नदी के बीच में ही टापू बन जाए, देखते हो ना, छोटा 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 बना रहता है, जैसे इवन गंगा नदी या आपके आसपास जो भी नदी हो कभी देखना, ठीक है, अपना इरिगेशन मतलब सिविल इंजीनियरिंग इतना आसान सब्जेक्ट है ना, मतलब आपको सारी चीजें आपके सराउंडिंग में दिखती हैं। ओके अजीत, गुड आफ्टरनून, ठीक है, चलो अब ब्रेडेड रिवर कहाँ आपको दिखती है, जहां चैनल थोड़ा सा स्टीप रहता है, ठीक है, वहां पे, और स्ट्रीम क्या करती है, बहुत ज्यादा हाई स्ट्रीम करती है, हाई कंसेंट्रेशन ऑफ कोर सेडिमेंट, ठीक है, जब कोर सेडिमेंट ज्यादा आ जाते हैं, ठीक है, यानी कि नदी के साथ आपके पानी के साथ आपके कोर सेडिमेंट ज्यादा आ जाते हैं। ओके चलो, और इसमें पैटर्न जो रहता है फ्लो का वो इरेगुलर रहता है। तीसरा आपका क्या है, डेल्टा, आपका डेल्टाइक रिवर, डेल्टाइक रिवर मैंने आपको क्या बताया था अभी कि जब नदी में एक तरह से पानी आपका मिलने जा रहा है, वहां पे क्या हो रहा है कि वहां पे, ठीक है, ये कई जगह में कई एकदम से ऐसा नहीं होता कि बस एक धारा बन के मिल गया, ठीक है, वो आपका डिवाइड हो जाता है, ठीक है, कैसे, जैसे आपका ये गया, ठीक है, तो यहाँ पे आपका कुछ आपका इधर चला गया, कुछ डिवाइड हो जाता है, ठीक है, कई तरह से आपका बढ़ जाता है, ये आपका हो जाता है डेल्टाइक रिवर। ओके, और इसमें ज्वार भाटा वाली कंडीशन की वजह से, टाइड्स की वजह से डिस्चार्ज कम ज्यादा होता रहता है, रिवर का जो विड्थ है वो कम ज्यादा होता रहता है। ओके, मिंडरिंग में क्या है, मिंडरिंग में आपको अभी बता ही दिया था, ठीक है, मिंडरिंग क्या है, डिटेलिंग दी गई है, ठीक है, क्या है, ये वेव फिनोमेना है, ठीक है। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है हमें वो देखने हैं, ठीक है, हमें इंपॉर्टेंट टर्म्स देखे, जो पैरामीटर्स हैं वो देखने हैं कि इसमें आपके जो मिंडर वेवलेंथ है, ये सारी चीजें क्या है, आपके पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये सारी चीजें एक एक करके हमें देखना है, ठीक है। अब मिंडरिंग का रीजन क्या है वो भी देखना है, ठीक है, मिंडरिंग आपने यहाँ भी देखा था, ठीक है, इधर, और मिंडरिंग का आपका रीजन क्या है, ये सारी चीजें एक एक करके देखना है, ठीक है। देखिए ये आपका एक्चुअल फिगर कि मिंडरिंग लेंथ क्या है, मिंडरिंग विड्थ क्या है, एक्सिस वगैरह क्या है, ठीक है, ये सारी चीजें एक एक करके हमें देखना है। पहले तो कॉजेज ऑफ मिंडरिंग, मिंडरिंग आप समझिए ना कि रिवर में अपने क्या है, जो चैनल बना रिवर के, जो स्ट्रीम है, नदी है, उसमें जितने ज्यादा आपके बेंड रहते हैं वही आपका मिंडरिंग कहलाता है, क्या है, मिंडरिंग। ओके ठीक है, देखिए फैक्टर्स कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल है मिंडरिंग के लिए, कौन कौन से, एक तो साइज एंड क्या है आपका, साइज एंड ग्रेड ऑफ सेडिमेंट, क्या है, साइज एंड ग्रेड ऑफ सेडिमेंट, ठीक है, जो आपका सेडिमेंट्स आ रहा है वो बहुत बड़ा रीजन होता है। मैंने बताया ना जैसे आपका नदी एकदम सीधा अच्छा बढ़िया चल रहा है एकदम, क्या है कि बहुत ज्यादा यहाँ पे क्या सेडिमेंट आके जमा हो गया ऐसे, और फिर क्या है आगे जब बढ़े थोड़ा बहुत यहाँ जमा हो गया, तो अब नदी का एक्चुअल जो है वो कैसे बन गया, कुछ इस तरह से बन गया ना, कुछ इस तरह से बन गई, तो मिंडरिंग वाली कंडीशन जनरेट हो गई, तो सेडिमेंट बहुत मैटर करता है, फिर एक्स्ट्रा टर्बुलेंस जो जनरेट होता है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट किसकी वजह से, फ्लड में जो आ जाता है, ठीक है, फ्लड की वजह से, फिर आपके वैली स्लोप, बेड स्लोप, साइड स्लोप, ये सारी चीजें की वजह से आपका
मिंडरिंग आपका आता है। ओके अब इसके जो पैरामीटर्स हैं देख लेते हैं, जो मैंने बताया ना मिंडर लेंथ वगैरह, ठीक है। तो मिंडर लेंथ क्या है, देखिए जैसे यहां से जब आपका नदी यहां से मुड़ी और यहां से फिर उसी जगह पहुंच गई, तो यहाँ इस जगह से ये सीधा भी जा सकता था ना, ठीक है, ये सीधा भी जा सकता था, लेकिन इसने अपना चैनल चेंज किया, तो ये जो यहां से यहां तक ये सीधी दूरी है ये आपकी क्या हो जाती है, मिंडरिंग लेंथ। अब वही आपके लिखे एक्सियल लेंथ मीन्स टू बी टेंजेंशियल डिस्टेंस, टेंजेंशियल डिस्टेंस बिटवीन द क्रेस्ट और ट्रफ ऑफ अ मिंडर, ठीक है, ये आपका टेंजेंशियल डिस्टेंस है किसके बीच में, क्रेस्ट और मिंडर के इन प्लान व्यू, प्लान मतलब ऊपर से देखने पे हमें ये क्लियर होगा। हमारा कहने का मतलब ये है कि नदी आपकी ऐसे भी जा सकती थी, ठीक है, लेकिन आपकी यहां पे मुड़ गई, तो ये जो डिस्टेंस है ये आपका क्या हो गया, मिंडर लेंथ। ओके ये आपका मिंडर लेंथ हो गया। अब दूसरा आपका क्या है, मिंडर बेल्ट विथ है। अब देखिए मिंडर बेल्ट विथ का मतलब देखो, ये यहां से ये जो सीधा जब अगर जाता है तो इसके से इसके बीच में जो बाद में चैनल बना और पहले जो बन सकता था उसकी जो विड्थ हो गई वो आपकी क्या हो गई, मिंडर विड्थ। वही आपका लिखा है डिस्टेंस बिटवीन टॉप एंड बॉटम पोर्शन ऑफ सक्सेसिव क्रेस्ट और ट्रफ ऑफ ए मिंडर। ओके और मिंडर रेशियो, अब मिंडर रेशियो क्या है, मिंडर रेशियो देखिए जो मिंडर लेंथ आपने मिंडरिंग विड्थ दोनों देख लिया, तो क्या है कि आपका जो विड्थ और लेंथ का रेशियो है, क्या है विड्थ और लेंथ का रेशियो, क्या कह सकते हैं यहाँ पे, मिंडर रेशियो का मतलब MB/ML, ठीक है, यही आपका क्या हो गया मिंडर रेशियो, यानी मिंडरिंग विड्थ डिवाइडेड बाई मिंडरिंग लेंथ। ओके ये आपका क्या हो जाएगा, मिंडरिंग रेशियो, ठीक है, उससे उसका रेशियो निकल जाएगा। लास्ट में आता है आपका टॉर्टुओसिटी और साइनोसिटी, ठीक है, टॉर्टुओसिटी और साइनोसिटी का मतलब क्या है, देखिए रेशियो ऑफ एक्चुअल, ठीक है, रेशियो ऑफ एक्चुअल लेंथ, ठीक है, टू द डायरेक्ट एक्सियल लेंथ। अब इसका क्या मतलब है, रेशियो ऑफ एक्चुअल लेंथ टू द डायरेक्ट एक्सियल लेंथ, ठीक है, यानी कि आपका देखो ये आपका ये यहां से यहां तक की नदी का ये एक्चुअल लेंथ है जब हम ऐसे इसको नापेंगे, और मिंडरिंग लेंथ ये आपको मैंने बता दिया, तो इन्हीं का रेशियो क्या हो जाएगा आपका, टॉर्टुओसिटी, क्या बोलेंगे, टॉर्टुओसिटी या साइनोसिटी, ठीक है, ये हो गया आपका टॉर्टुओसिटी। कैसे क्लियर हुआ, जो रेशियो है एक्चुअल लेंथ का, एक्चुअल लेंथ कैसे, जो नदी के एक्चुअल डिस्टेंस है यहां से यहां तक, और मिंडरिंग लेंथ जो वो हो सकती थी, ठीक है, वही आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेशियो ऑफ एक्चुअल लेंथ डिवाइडेड बाई डायरेक्ट एक्सियल लेंथ। ओके ये चीज आपका मिंडरिंग के पैरामीटर क्लियर, मिंडरिंग लेंथ, मिंडरिंग विड्थ, मिंडरिंग रेशियो और टॉर्टुओसिटी, अगर ये आ जाएगा तो इसमें गलती नहीं होना चाहिए, लेंथ भी क्लियर, विड्थ भी क्लियर, रेशियो भी क्लियर, आपका सारी चीजें क्लियर हो। ओके हाँ बिल्कुल ठीक है, हाँ ग्रेटर देन आपका क्या लिखा है, हाँ बिल्कुल देखो यहाँ पे आपको दिख ही रहा है ना, दिख ही रहा है, देखो क्या बताया मैंने, टॉर्टुओसिटी, रेशियो ऑफ एक्चुअल लेंथ, ठीक है, एक्चुअल लेंथ आपकी ये है, ठीक है, और मिंडरिंग लेंथ, तो ये आपको वैसे ही दिख रहा ना कि ये आपका ज्यादा वैल्यू आएगी ये कम आएगी, तो हमेशा आपका ग्रेटर देन वन तो ही रहेगा। बढ़िया क्वेश्चन है ये, देखो ये चीज है सही कि इन्होंने समझा अच्छे से और इन्होंने तुरंत पकड़ लिया कि अगर ये ज्यादा है, ठीक है, ये डिस्टेंस आपकी ज्यादा है और ये कम है, तो हमेशा क्या होगा, टॉर्टुओसिटी वन से ज्यादा होगा। और कभी अगर क्वेश्चन बन जाता है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ टॉर्टुओसिटी, ग्रेटर देन वन, लेस देन वन, मोर या इक्वल टू वन या नन ऑफ द अबव लिख दिया, तो क्वेश्चन आपका क्या करना, आंसर क्या करना है आपको पता, क्लियर पता है, क्लियर है, ओके समझ गए। चलो दूसरा इसके बाद है आपका कट ऑफ लूप या ऑक्सबो लेप। ऑक्सबो लेक का मतलब देखो यहाँ पे क्या है, पिक्चर देखिए आप, ये है आपका, देखो आपका ये नदी आ रही है ऐसे और फिर क्या हुआ, ये इस तरह से मुड़ी और ये वापस से ऐसे मिल गई, और यहाँ पे अगर ये इस तरह से अपने आप ये शॉर्टकट भी बना ले, एक अलग से अपने ही चैनल बना ले, बाद में पहले ऐसे बना बाद में ये भी बन जाए, ये चीज आपकी क्या कहलाती है, कट ऑफ, और इसको हम यू भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं आपका, यू शेप बेंड भी बोलते हैं, ठीक है, यू शेप, देखिए आपको कुछ कुछ उस जैसा लग रहा होगा, यू शेप बेंड जैसा लग रहा होगा, ठीक है, तो ये हो जाता है आपका कट ऑफ। वही चीज यहाँ पे भी लिखे, ऑक्सबो लेक का क्रिएटेड व्हेन ग्रोइंग मिंडस इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है, एंड कट ऑफ ऑफ ए मिंडल लूप लीविंग इट विदाउट एन एक्टिव स्ट्रीम। ओके ये हो जाता है आपका कट ऑफ या ऑक्सबो लेक, ठीक। अब इसके बाद है आपका रिवर ट्रेनिंग क्लासिफिकेशन एंड ऑब्जेक्टिव। रिवर ट्रेनिंग क्या मतलब है, पहले ही बताया था आपको डिटेल में, ठीक है, रिवर ट्रेनिंग का क्या मतलब है, क्यों करते हैं, ठीक है, कि जो आपका रिवर है उसका जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है, ठीक है, उसका जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है वो अपने अलाइन में, मतलब कि उसी स्ट्रीम में बना रहा है, ठीक है, यानी कि कह सकते हैं एक तरह से जो अलाइनमेंट है रिवर का
वो प्रॉपर बना रहे उसी के लिए, उसी जगह पे वैसा ही बना रहे, इसलिए हम रिवर ट्रेनिंग करते हैं। क्यों करते हैं रिवर ट्रेनिंग? ताकि आपका जो रिवर का अलाइनमेंट है वो वैसा ही बना रहे। बेस्ट आंसर वुड बी कि आपका यही होगा कि जो आपका अलाइनमेंट है वो वैसा ही बना रहे। किसका? रिवर का। उसके लिए हम क्या करेंगे? रिवर ट्रेनिंग। क्या करेंगे? रिवर ट्रेनिंग। ओके, तो ये हो गया आपका रिवर ट्रेनिंग। अब मेजर ऑब्जेक्टिव इसके क्या है? ठीक है, ऑब्जेक्टिव आप सभी को पता है, ऑब्जेक्टिव क्या हो सकते हैं? व्हाट वुड बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिवर ट्रेनिंग? देखिए, हियर आर द सम पॉइंट्स व्हिच वी आर गोइंग टू डिस्कस। सम ऑफ द पॉइंट व्हिच द फर्स्ट पॉइंट विल बी द टू प्रिवेंट द रिवर फ्रॉम चेंजिंग इट्स कोर्सेस एंड टू अवॉइड आउट फ्लैंकिंग। आउट फ्लैंकिंग का मतलब ये है कि अगर आपने रिवर ट्रेनिंग नहीं किया, ठीक है, कभी अगर बाढ़ आती है, ठीक है, तो क्या होता है कि पानी इधर उधर पूरा फैल जाता है ना। लेकिन रिवर ट्रेनिंग एक होता है, एक टर्म होता है लेवीज। लेवीज का शुद्ध हिंदी का देखो, बचपन में आपने मेड़े देखी होगी, ठीक है, तो बड़ी मेड़ बना दो, उसे क्या बोल देते हैं? वियर बैराज डैम, जो अब मतलब उस जगह के हिसाब से बने वो, ठीक है, तो हम वो काम कर सकते हैं। लेकिन ये क्या करना है हमको? इसको नदी की पैरेलल करना रहता है, नदी की पैरेलल करना रहता है। देखिए, जैसे ये आपकी नदी है, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा ऊंचाई पे यहाँ पे दोनों तरफ लेवीज बना सकते हैं। तो आपका क्या होगा कि जो नदी का पानी होगा वो कभी भी आउट फ्लैंक नहीं होने पाएगा, बाहर नहीं जाने पाएगा, बाढ़ भी आती है तो। अब ये नहीं है कि बाढ़ इतनी ज्यादा आ जाए कि शहर डूब जाए, तो वो कंडीशन थोड़ी सी अलग हो सकती है, ठीक है, थोड़ी सी वो अलग हो सकती है। ओके, हाँ बिल्कुल, कट ऑफ डिक्रीज लेंथ ऑफ रिवर, बिल्कुल ये आप सही बताया। खैर मैं बताए थे कि आपको क्या करती है, लेंथ की रिवर की लेंथ को डिक्रीज करती है। ओके चलिए, ठीक है, शेयर कर देना बेटा एक बार, ठीक है, शेयर कर दीजिए। ओके चलो, दूसरा, अब इसके बाद देखिए आपका क्या है यहाँ पे कि, और ठीक है, ये क्या करती है? रिवर बैंक को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है, रिवर बैंक को प्रोटेक्ट करती है अगर रिवर ट्रेनिंग कर देते हैं, ठीक है। और क्या करती है? आपकी जो सेडिमेंट लोड है, ठीक है, डिस्पोजल हो रहा है, उनको इंश्योर करती है क्या है क्या नहीं है। और हमें रिवर ट्रेनिंग से एक फायदा ये होता है कि जो मिनिमम डेप्थ है वो क्लियर रहने पे हम वहां पे नेविगेशन कर सकते हैं। मतलब नदी में नावें भी चलती हैं, आपको पता है, अब पता लगे कि डेप्थ बहुत कम है। अब नाव मान लो आपकी ऐसी है, ठीक है, नाव आपकी कुछ इसी तरह से रहती है ना। अब इसमें इसमें क्या, इतना पार्ट कम से कम नदी में डूबा रहता होगा ना ये जो है, तो पता लगे नदी की गहराई ही कम हो तो नाव चलेगी कैसे? नाव चलेगी कैसे? तो रिवर ट्रेनिंग इसके लिए भी जरूरी कि एटलीस्ट मिनिमम डेप्थ मेंटेन रहेगा, तभी तो नेविगेशन चल पाएगा, प्रॉपर हो पाएगा, है ना। ठीक है, अब इसके बाद है आपका ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ रिवर ट्रेनिंग वर्क। क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ रिवर ट्रेनिंग वर्क, ठीक है, इसका तीन पार्ट में बांटा गया है, ठीक है, रिवर ट्रेनिंग को। एक तो आपका हाई वाटर ट्रेनिंग, दूसरा लो, तीसरा मीन वाटर ट्रेनिंग, ठीक है, क्लासिफिकेशन तीन पार्ट में है, ठीक है। आपके क्या हो गए यहाँ पे? देखिए, रिवर ट्रेनिंग, क्लासिफिकेशन, ऑब्जेक्टिव। रिवर ट्रेनिंग हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया, अब क्लासिफिकेशन में तीन है। पहला आपका है हाई वाटर ट्रेनिंग। क्या है हाई वाटर ट्रेनिंग? हाई वाटर ट्रेनिंग में मेन पर्पज ये रहता है कि हमें किसी ना किसी तरीके से नदी में आने वाली बाढ़ को कंट्रोल करना है। क्या करना है? बाढ़ को कंट्रोल करना है, मतलब बिल्कुल आपका कोई भी ऐसी कंडीशन जब आती है कि बारिश की वजह से बाढ़ आ गई बहुत ज्यादा, या बांध वांध कहीं टूट गया, या कुछ भी हो गया कि आपने बांध है, तो उस कंडीशन से बचने के लिए हमें क्या करना है आपको कि हाई वाटर ट्रेनिंग उसको बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं कि ट्रेनिंग फॉर डिस्चार्ज, ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज फ्रॉम द नेम ऑफ ट्रेनिंग फॉर डिस्चार्ज। ओके, ये आपका हो गया, ठीक है, हाई वाटर ट्रेनिंग में, ठीक है। देखिए, अब इसके बाद आपका क्या हो जाता है? लो वाटर ट्रेनिंग। लो वाटर ट्रेनिंग क्या है? इसका मेन पर्पस क्या रहता है कि नेविगेशन के लिए कम से कम जितनी वाटर डेप्थ की जरूरत है वो आपको मेंटेन करना है, और वो हम करते हैं लो वाटर ट्रेनिंग में, ठीक है। आपका देखिए लिखा भी है, मेन पर्पस इज टू प्रोवाइड सफिशियंट वाटर डेप्थ इन नेविगेबल चैनल ड्यूरिंग लो वाटर पीरियड। यानी लो वाटर पीरियड कब आते हैं? जब आपका गर्मियों में देखते हो कि बारिश से पहले, ठीक है, जब पानी कम से कम एकदम सबसे निचले स्तर पर रहता है, तो हम उसको मैनेज करते हैं, वही चीज हमें ध्यान देनी है, ठीक है, क्योंकि बारिश से पानी बढ़ जाएगा, फिर तो आप देखते होगे कि बाढ़ भी आ जाती है तो शहर के बीच में भी कभी कभी नाव चल जाती है ना। चलो, फिर आपका आता है मीन वाटर ट्रेनिंग। क्या है आपका? और इसको किस नाम से जानते हैं? ऑल्सो उन्होंने ट्रेनिंग फॉर डेप्थ, ट्रेनिंग फॉर डेप्थ, उसमें क्या था? ट्रेनिंग फॉर डिस्चार्ज, ठीक है, ये चीज नोट कर लिया करो, जैसे आप हेडिंग लिखे, ठीक है, तो उसके आगे ये चीजें नोट कर सकते हो, ट्रेनिंग फॉर डेप्थ। तीसरा आपका मीन वाटर ट्रेनिंग। मीन वाटर ट्रेनिंग क्या मतलब है? मेन पर्पज क्या है इसका?
कि जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स आ रहे हैं, ठीक है, आपके सेडिमेंट्स आ रहे हैं, उनके लिए ट्रेनिंग करनी है। यानी कि आपका जो सेडिमेंट्स आ रहा है कहीं पे रुक जा रहा है बीच बीच में, ठीक है, या एक अलग से बैंक उसका बन जा रहा है, जैसे नदी का किनारा अपना तो होता ही है, लेकिन सेडिमेंट की वजह से किनारा क्या होता है कि थोड़ा कम हो गया, वहां पे सेडिमेंट जमा हो गया, तो उसके लिए रिवर ट्रेनिंग करना, ठीक है। तो वो हो गया आपका मीन वाटर ट्रेनिंग। तो इसमें क्या लिख सकते हैं, ट्रेनिंग फॉर सेडिमेंट्स, क्या लिखेंगे, ट्रेनिंग फॉर सेडिमेंट्स। ओके क्लियर। अरे हम लॉक क्यों कर दिए, चलो अब इसके मेथड्स कौन कौन से हैं, देखिए मेथड्स इसके कौन कौन से हैं, हम क्या क्या कर सकते हैं रिवर ट्रेनिंग के लिए। देखिए रिवर ट्रेनिंग में हम क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है, क्या क्या कर सकते हैं एक बार आप लोग को भी देख लेते हैं, ठीक है। रिवर ट्रेनिंग में हम क्या क्या कर सकते हैं, कंट्रोल फंड, हाँ ठीक है, शेयर करते रहना बेटा। अच्छा बाकी लोग रिप्लाई ही नहीं करते कुछ, मतलब कुछ बोलते ही नहीं हो यार, एक दो बच्चों का कमेंट आता है, वॉचिंग चलो रहती है, 6-7 लोग हो लेकिन कुछ बोलते नहीं हो। चलो कोई नहीं, अच्छी बात है, समझ में आ रहा है। तो देखो मेथड्स कौन कौन से हैं रिवर ट्रेनिंग के, एक तो हम लेवीज बना सकते हैं, जो मैंने बोला ना मेड, यानी कि मार्जिनल इम्बैंकमेंट, ठीक है। मार्जिनल इम्बैंकमेंट मतलब देखो ये आपकी नदी, इसके बगल बगल हमने मार्जिन बना दिया, भैया कभी बाढ़ का पानी आ गया, पानी बढ़ गया तो क्या, तब भी थोड़ी सी बहुत कंडीशन बच जाएगी। जैसे आप कैनाल में क्या देखते थे, कैनाल में ऊपर क्या बनाते थे, हम स्पॉइल बैंक बना देते थे, है ना, जो खोद के निकाले मिट्टी उसको बना दिया, उसका एक तरह से मार्जिन भी बन गया, काम भी हो गया, ठीक। तो और उसके बाद आपका गाइड बैंक है, ठीक है, गाइड बैंक का क्या मतलब, जो गाइड आपका, इसको गाइड बंड भी बोलते हैं, ठीक है, यानी कि एक तरह से वाटर गाइड करती है कि आपका उसी जगह पे जाना है, कहीं फैल नहीं जाना है, जैसे आपका ये ऐसे ऐसे फैला दिए, कभी पानी बाढ़ के आता है तो आपका इधर इतने में ही रहेगा। ओके ग्रोइनेज है, ठीक है, ग्रोइनेज या स्पर्स इनको बोलते हैं, इनका भी अपना काम है, आगे डिटेल में भी देखना है। बैंक प्रोटेक्शन वर्क है, यानी कि जो किनारे हैं उनको प्रोटेक्शन के, जो प्रोटेक्शन प्रोटेक्ट करने के लिए जो वर्क है वो, और पिच्ड आइलैंड, पिच्ड आइलैंड वाला ये आर्टिफिशियल आइलैंड होते हैं, क्या होते हैं, आर्टिफिशियल आइलैंड होते हैं। ओके ये हो गया मेथड्स, अब देखते हैं एक एक करके, देखिए ठीक है, देखो लेवीज क्या है, लेवीज अब आप देखो पहले डायरेक्ट पिक्चर देखिए, ये आपका है क्या है, अर्दन इम्बैंकमेंट, क्या है आपका, ये अर्दन इम्बैंकमेंट है, ठीक है, देखिए अर्दन इम्बैंकमेंट और डाइक है, देखिए ये आपका नदी है, ठीक है, यहां हमने क्या बना दिया, इम्बैंकमेंट बना दिया, ठीक है, किसका, अर्दन, और ये ऊपर क्या रख दिया, पत्थर रख दिया, स्टोन क्यों रखे, स्टोन एपरन क्यों रखे, एपरन समझो, एपरन, एपरन क्या, जैसे एपरन वेस्ट आप पहनते हो वर्कशॉप में या आपने इंजीनियरिंग किया था, ताकि अगर कोई आपका जैसे वेल्डिंग कर रहे हो, कोई चिंगारी आई, ठीक है, तो या कुछ भी टुकड़ा आया, कोई चीज आया, कुछ भी हुआ तो थोड़ा बहुत आप बच जाओ तब भी, ठीक है, इवन, तो एक तरह से यहाँ पे क्या है, एपरन का मतलब कि अगर कभी बाढ़ आती है तो मिट्टी क्या है, मिट्टी तो गल जाएगी, मतलब पानी चल जाएगा तो बह सकती है, इसलिए टॉप पे हम क्या लगा देते हैं, स्टोन लगा देते हैं। ओके और उससे भी बेहतर क्या होता है कि स्टोन तो लगा दी दो, लगा दो साथ ही साथ सीमेंटिंग कर दे, पूरा भर दे एक लेयर पूरे यहाँ तक, तो कभी ये खराब होने के चांसेस नहीं रहते हैं। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ नहीं करना होता, ठीक है, देखिए ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे भी करना रहता है, नहीं तो यहाँ से पानी पास हो सकता है, सीपेज की कंडीशन, मतलब समझ रहे हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, लेवीज, ठीक है, अब वही चीज आपका लिखा है, दीज आर द अर्दन एम्बैंकमेंट कंस्ट्रक्टेड इन द फ्लड प्लेन ऑफ अ रिवर एंड रन पैरेलल, इट रन पैरेलल टू द मेन स्ट्रीम, यानी और या कह सकते हैं, इट रन पैरेलल टू द रिवर, रिवर के पैरेलल में चलती है, दोनों साइड बना दिए, कभी बाढ़ की कंडीशन आई, पानी बढ़ गया, कैनाल मतलब कि कोई भी कंडीशन आ गई, फ्लड कंडीशन आ गई, बारिश ज्यादा हो गई, पानी बढ़ा, तो वो उतने में ही है, अगल बगल के जो एरियाज हैं इनको अफेक्ट होने से बचा लिया गया है, ठीक है। तो ये हो गए रिवर ट्रेनिंग, और ये इंपॉर्टेंट है, देखते हो गए बहुत से जगहों पर हो सकता है दिखता भी होगा, है ना, ठीक है। चलिए दूसरा देखते हैं, देखिए अब इसका मीनिंग क्या है, हमें फ्लड वाटर को ही मैनेज करना है। ओके दूसरा आपके पास गाइड बैंक, क्या है आपके पास, गाइड बैंक, गाइड बैंक क्या है, दीज आर द अर्दन इम्बैंकमेंट फॉर गाइडिंग द फ्लड वाटर ऑफ रिवर नियर स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस अ रिवर, यानी कि जैसे आपका क्या है, गाइड बैंक जो बनाए जाते हैं वो फ्लड वाटर को एक तरह से गाइड करते हैं, ठीक है, कि वो आपको क्या है कि प्रोवाइड नहीं कर, दिक्कत नहीं करेंगे कभी भी, वो अपने आप ही एक अपना जिधर जाना है उतने में ही चले जाएंगे, ठीक है। ये क्या करता है, इट कंफाइन्स द फ्लड वाटर विद इन अ रीजनेबल विड्थ ऑफ वाटर, यानी कि इसकी फिक्स विड्थ हो जाती है, ठीक है, उससे ज्यादा बढ़ने नहीं पाता है। ओके तो
पहले से ही हमने गाइड बैंक बनाया है तो हमें पता है कि हमें क्या करना है, इतने इस जगह पे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करना, कभी पानी बढ़ेगा तो इस जगह पे आ सकता है। ओके, ये सब फायदे होते हैं। ओके, और इसके बाद आता है आपका, ठीक है, जैसे आपका ग्रोइनेज, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ग्रोइनी या इस पर ग्रोइनेज आपके जो होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं कि एक तरह से ये आपके, ठीक है, चार पांच टाइप के हैं। इसमें क्या होता है, हम बैंक जो होते हैं, जो नदी के किनारे हैं, उनमें, उन जगहों पे हम ग्रोइनेस लगाते हैं, स्पर्स लगाते हैं, ठीक है। और उसमें रिवर ट्रेनिंग का मतलब यहाँ पे ये होता है कि आपका, देखिए क्या लिखा है, ग्रोइनेस आर स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन ट्रांसफर टू द रिवर, ट्रांसफर टू द रिवर फ्लो एंड एक्सटेंड फ्रॉम बैंक इन टू द रिवर अप टू अ सर्टेन लिमिट, सर्टेन लिमिट तक एक्सटेंड करने के लिए, ठीक है। तो और एक्चुअल क्या है, देखिए, इट गाइड्स द रिवर फ्लो, ठीक है। क्या होता है कि जो रिवर आपका फ्लो हो रहा है, जो नदी पानी फ्लो हो रहा है, उसको गाइड करने के लिए होता है। स्कोर है, प्रमोट स्कोर एंड डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट वेयर डिजायर्ड एंड ट्रैप द सेडिमेंट लोड टू बिल्ड अप एन न्यू रिवर, एक नए रिवर बैंक के लिए। ओके, तो ये सारी चीजें हैं ग्रोइनेस की। अब इसके देखिए फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन क्या है, ट्रेनिंग अ रिवर अलॉन्ग ए डिजायर्ड कोर्स बाय अट्रैक्टिंग डिफ्लेक्टिंग और रिपेलिंग। यही नाम से आपने ग्रोइनेस पढ़ी भी होंगे ना, अट्रैक्टिंग रिपेलिंग डिफ्लेक्टिंग और भी हैं कई सारे। तो ये सारे इसके क्या होते हैं, फंक्शन होते हैं, ठीक है। और क्या करता है ये, कि ये जो क्या प्रोटेक्ट करता है, ये प्रोटेक्ट द रिवर बैंक बाय कीपिंग द फ्लो ऑफ वाटर, फ्लो ऑफ रिवर अवे फ्रॉम इट। ओके, ये होता है, यानी कि जो नदी का किनारा है उसको बचाता है एक तरह से। ग्रोइनेस क्या करता है, बचाता है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा नदी का किनारा है, यहाँ पे आपने बना दिया कुछ इस तरह से, ठीक है, तो ये क्या होगा ना, ये बचाता है, ये आपके किनारे कभी भी खराब नहीं होंगे, किनारे आपके कभी क्या होगा कि बह नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं होगा, और ना ही बहुत ज्यादा ऐसा होगा कि सेडिमेंट वाली प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो ये होता है फायदा। अब ठीक है, फंक्शन हो गया, सिल्टिंग वगैरह नहीं होती है, ठीक है। चॉइस यानी कि कैसे हम ग्रोइनेज चूज करेंगे, कि किस तरह का ग्रोइनेज हमें बनाना है, ठीक है, किस तरह का ग्रोइनेज हमें बनाना है, किस तरह का इस पर हमें बनाना है, तो वो डिपेंड करेगा किस पे, फॉल वेलोसिटी ऑफ रिवर, वेलोसिटी ऑफ रिवर पे, या विथ ऑफ वाटर वे, आपका ये जो विथ है उस पे, और डेप्थ वाटर वे की जो डेप्थ है उसके उसके गहराई पे भी, बेड मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक पे, यानी कि आपका नीचे जो बेड में है सेडिमेंट्स हैं, ठीक है, या आपके बोल्डर हैं या छोटे पार्टिकल्स हैं, ठीक है, क्या है वो चीजें, और अमाउंट ऑफ सिल्ट, यानी कि आपका जो नदी है अपने साथ कितना सिल्ट ले आ रही है। जैसे कहते हैं ना कि गंगा नदी जो है वो अपने साथ सिल्ट बहुत ले आती है, ठीक है, सभी नदियों में ऐसा नहीं होता, लेकिन डिपेंड करता किस नदी में ऐसा है। ओके, चलिए, फिर क्लासिफिकेशन है, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रोइने, ठीक है, क्लासिफिकेशन, देखिए ग्रोइने आपको क्लासिफाइड किया जा सकता है कई पार्ट में, कई कई तरह से। फर्स्ट जिसमें आपका क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मेथड एंड मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन, यानी कि आपका कौन सा मेथड और मटेरियल है, तो परमिएबल ग्रोइने और इम्परमिएबल दो आते हैं। परमिएबल का मतलब आपने जो नदी बनाई है, यहाँ पे आपने जो ग्रोइने लगाया, ठीक है, परमिएबल में एक आपका ट्री या पाइल, ट्री का मतलब आपने जो ट्री है यानी कि जो लकड़ी है या टिम्बर कह लो, लॉग टिम्बर, उन्हीं को आपने यहाँ पे लगा दिया खड़ा कर करके, यहाँ पे एक एक करके। और पाइल का मतलब, ठीक है, आपने पाइलिंग कर दिया है, ठीक है, क्या कर दिया, पाइलिंग कर दिया, वो आपका हो गया परमिएबल। परमिएबल मतलब इनके इसमें से पानी पास होगा, इसमें से पानी पास होगा, लेकिन इम्परमिएबल का मतलब कुछ आपने ऐसा बना दिया कि यहां से पानी अब पास नहीं हो रहा, यहां से यहां क्रॉस नहीं होगा, यहां से ऐसे आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, लेकिन यहां से नहीं क्रॉस होगा, ठीक है, ये हो गया आपका। अब मटेरियल्स, ठीक है, अब इसका दूसरा है आपका क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन हाइट ऑफ ग्रोइने विद रिस्पेक्ट टू फ्लड लेवल। अब एक तो है देखो सबमर्ज या नॉन सबमर्ज, यानी कि जो आपने ग्रोइने लगाया वो आपका क्या है, कि वो या तो डूबा हुआ सबमर्ज कंडीशन हो या नॉन सबमर्ज कंडीशन हो, दो ही हो सकता है, या तो डूबा रहेगा नहीं डूबा रहेगा, ठीक है, तीसरी कंडीशन नहीं आती है। तीसरा है आपका क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फंक्शन ग्रोइने और फंक्शन ग्रोइने सर्फ, ठीक है, बेस्ड ऑन फंक्शन ग्रोइने सर्स, यानी कि यही आपको डिटेल में पढ़ना, अभी अट्रैक्टिंग ग्रोइने, डिफ्लेक्टिंग, सेडिमेंटिंग, रिपेलिंग और स्पेशल टाइप्स, ठीक है, स्पेशल में आपका है डेनहिस, टी हेडेड और हॉकी टाइप, ठीक है, इसी को अभी हमें डिटेल में पढ़ना, और शुरू करते हैं एक एक करके। अच्छा, चौथा था, चौथा स्पेशल टाइप है जिसमें आपका डेनही और हॉकी टाइप है। अब यहाँ से देखिए रिपेलिंग से शुरू हो रहा है, रिपेलिंग से, ठीक है, रिपेलिंग और ग्रोइने से आपका शुरू हो रहा है। देखिए ये है आपका रिपेलिंग ग्रोइने, क्या है आपका नदी का स्ट्रीम है, हमने रिपेलिंग ग्रोइने इस तरह से कुछ यहाँ बनाया हुआ है, ठीक है, देखिए
है, ये आपका रिपेलिंग रॉड है। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, ये क्या होता है कि अप स्ट्रीम साइड में बनाया जाता है। कहाँ पे बनाया जाता है? अप स्ट्रीम साइड में, और 60 से 80 डिग्री का यहाँ का एंगल रहता है। देखिए अब आप यहाँ देख रहे होगे, रिपेलिंग रॉनी पॉइंट्स टुवर्ड अप स्ट्रीम एट एन एंगल ऑफ 10 to 30 डिग्री। यहाँ 60 to 80 लिखा था, यहाँ 10-30 का क्या मतलब है कि यहाँ पे इसका मतलब 10 to 30 डिग्री टू द लाइन परपेंडिकुलर, टू द लाइन परपेंडिकुलर टू द बैंक, यानी कि जो आपका ये बैंक है, ये जो बैंक है इसके परपेंडिकुलर ये हो गया। ठीक है, अब इधर से इसको लेंगे, ठीक है, तो आपका कितना बचेगा, 10 से 30 डिग्री ही बचेगा ना इधर से, 10 से 30 डिग्री, यानी जो आप 60 से 80 था वैसे भी देखो, 90 में से 80 घटाओगे, 10 60 घटाओगे, 10 से 30, वही चीज आपका यहाँ पे एक तरह से लिखी है। अब ये क्या करता है, द हेड ऑफ ए ग्रानी, यानी कि जो इसका हेड है वो क्या करता है, कॉजेज द करंट टू बी डिफ्लेक्टेड इन अ डायरेक्शन नियरली परपेंडिकुलर टू इट सेल्फ। ठीक है, ये आपके डिफ्लेक्ट करता है डायरेक्शन को। ओके, रिपेलिंग और ग्रानी ही हो गया। दूसरा आपका जो है वो अट्रैक्टिंग है। अट्रैक्टिंग क्या होगा, ये आपके डाउन स्ट्रीम में रहेगा। ठीक है, ये देखिए लिखा है अट्रैक्टिंग ग्रानी पॉइंट डाउन स्ट्रीम इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। देखिए ये 45 to 60 डिग्री के एंगल में होता है और यहाँ पे आपका इसको आगे जा करके बनता है। ओके, ये देखिए लिखा है दिस कॉजेस स्कोर होल टू फॉर्म क्लोजर टू द बैंक। ओके, तीसरा फिर इसके बाद आपका आएगा, देखिए इसमें आपका बस मेन यही रहता है कि क्या है क्यों है, परमीएबल ग्रानी। अब परमीएबल ग्रानी अभी मैंने आपको बताया था जिसमें से पानी हो करके पास हो जाए, जैसे आपका ट्री था और पाइल था, वो आपका परमीएबल ग्रानी था। ठीक है, देखिए लिखा भाई दीप दे परमिट द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू देम, यानी अपने में से पानी को परमिट करते हैं। ठीक है, और इसकी वजह से क्या फायदा होता है, इरोजिव एक्शन है रिड्यूस हो जाता है, यानी कि जो रिवर बैंक है, जो किनारे हैं उनका इरोजिव एक्शन है, जो इरोड हो रहा है, इरोड हो रहे थे वो रिड्यूस हो गए हैं। ठीक है, ड्यू टू डंपिंग ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी की डंपिंग वजह से वो इरोशन, इरोजन उसकी जो कह सकते हैं कैपेसिटी है वो कम हो गई। ओके, ये हो गया आपका परमिएबल। और इसके बाद आपका डेनहिस टी हेडेड है, डेनहिस टी हेडेड। ठीक है, ये एक नया टाइप का ग्रोइने है। ठीक है, नया टाइप का ग्रोइने है, कहाँ पे बनाया, देखिए फर्स्ट डेवलप्ड इन इंडिया बाय डेनही, डेनही ने ही बनाया है, यही थे एट कहाँ पे, ओखला बैराज, ओखला बैराज और नरौरा वियर। ठीक है, नरौरा वियर पे और ओखला बैराज पे इसको बनाया गया है। ठीक है, ये क्या, इसका हेड जो होता है वो टी शेप में होता है। देखिए आपके टी शेप में ये हेड है, ठीक है, टी शेप में हेड है, तो पानी यहाँ से आया फिर ऐसे तब ऐसे जा रहा है, यही है इसमें। ओके, तो ये क्या होता है, जनरली ये 800 मीटर पे स्पेस्ड किए जाते हैं और इससे, ठीक है, ये क्या करते हैं, देखिए ये स्पेशल टाइप अर्धन एम्बैंकमेंट, ये क्या है, अर्धन एम्बैंकमेंट होते हैं, कहा एक तरह से प्रोजेक्टिंग फ्रॉम मार्जिनल बंड। ठीक है, दीज आर द अर्थ एंड एम्बैंकमेंट प्रोजेक्टिंग फ्रॉम अ मार्जिनल बंड। डेनही ग्रोइने आप देख रहे हो टी हेडेड, याद रखिएगा डेनही ग्रोइने टी हेडेड होते हैं और ये नया बनाया गया है। ठीक है, अब इसके बाद आपका डिफ्लेक्टिंग ग्रोइने है। देखो डिफ्लेक्टिंग ग्रोइने जो होते हैं वो आपके ना तो एक मतलब कि आपके रिपेलिंग होते हैं ना अट्रैक्टिंग होते हैं, ये आपका दोनों के बीच की कंडीशन होती है। क्या होती है, दोनों के बीच की कंडीशन होती है। देखिए यहाँ पे लिखा है डिफ्लेक्टिंग ग्रॉनी इज जनरली टेकन इन अ रिवर परपेंडिकुलर टू द बैंक। ठीक है, ये आपके रिवर में ले जाते हैं परपेंडिकुलर टू द बैंक टू वनली डिफ्लेक्ट द फ्लो विदाउट रिपेलिंग द फ्लो, यानी कि थोड़ा सा मतलब डिफ्लेक्ट करने के लिए ले जाते हैं बिना उसको रिपेल किए। ठीक है, बिना रिपेल किए थोड़ा सा, बट डिफ्लेक्ट करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, चलो इसके बाद आपका है, और एक तरह से क्या कर सकती है, ये ग्रानी सिर्फ लोकल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, सेडिमेंटिंग ग्रानी। ठीक है, सेडिमेंटिंग ग्रानी, सेडिमेंटिंग ग्रानी क्या, ग्रानी क्या है, सेडिमेंटिंग ग्रानी क्या करती है, इट डैम्पेंस द वेलोसिटी ऑफ फ्लो एंड दस कॉजेस डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट कैरीड बाय द रिवर विदाउट रिपेलिंग और डिफ्लेक्टिंग। यानी सेडिमेंटिंग में क्या, ग्रानी में क्या है कि जो सिल्ट आया, सेडिमेंट आया उसको रोक लेती है बिना, कैसे रोकती है, वेलोसिटी जो है उसकी, फ्लो की वेलोसिटी उसको डैम्पन करके रोकती है, और बिना रिवर के फ्लो को रिपेलिंग या रिपेल या डिफ्लेक्ट किए हुए ये सेडिमेंट को अपना रोक लेती है। ये हो गया आपका सेडिमेंटिंग ग्रोइने। ठीक है, और इसके बाद आपका आता है इम्परमिएबल। इम्परमिएबल अभी बताया था कि जिसके अंदर से पानी पास ना हो, ऐसा जो ग्रोइने आप बनाते हैं। ठीक है, जैसे आपने बताया ना कि ट्री है, ट्री का मतलब कह लो वहाँ टिम्बर। ठीक है, तो कुछ ऐसा रखना कि उसके अंदर से पानी ही ना पास हो पाए, या कुछ ऐसा कंस्ट्रक्शन करना कि पानी ही वहाँ ना पास हो। ठीक है, जैसे अगर आपका मेन चैनल ये है, हमने कुछ ऐसा बना दिया कि यहाँ से पानी नहीं पास हो रहा, पानी ऐसे आ रहा है। ठीक है,
फिर लास्ट में आता है आपका हॉकी ग्रैने। क्या है आपका? हॉकी ग्रैने। हॉकी ग्रैने देखिए, हॉकी ग्रैने जो है ये क्या होते हैं, इसमें भी आपका कर्व्ड हेड होते हैं। देखिए ये आपका कर्व्ड हेड है और ये जनरली आपके कैसे बिहेव करते हैं, आपके अट्रैक्टिंग ग्रैने की तरह। देखिए अट्रैक्टिंग ग्रैने भी कुछ इसी तरह से था, अट्रैक्टिंग ग्रैने भी कुछ इस तरह से था, ठीक है। अट्रैक्टिंग ग्रैने कुछ इस तरह से, तो उसी के जैसे ये बिहेव करती है। ओके चलो ये आपका हो गया ग्रॉयने। अब है आपका बैंक प्रोटेक्शन वर्क। बैंक प्रोटेक्शन वर्क नाम से क्लियर है क्या है, बैंक मतलब कि जो नदी के किनारे हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए आपके बैंक प्रोटेक्शन वर्क जो अलग से किए जाए वो आपके बैंक प्रोटेक्शन वर्क, ठीक है। ये क्या करते हैं कि जो इस लैंड है, ठीक है, जो नदी किनारे का जो जमीन है, जगह है, भूमि है, ठीक है, उसको, ठीक है, उसकी स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए किए जाते हैं, ठीक है। किस लिए? उसके लैंड की स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए हम बैंक प्रोटेक्शन वर्क करते हैं, ठीक है। ओके ठीक है, चलो शेयर करते हैं ना। वैसे आप लोग उतनी ही संख्या रहती है खैर, लेकिन ये रिप्लाई अप्लाई नहीं करते यार, पता नहीं कौन हो, ठीक है। चलो तो ये बैंक प्रोटेक्शन वर्क क्लियर। अब इसमें देखिए ये क्यों है कि जो बैंक फेलियर होता है, जो आपके नदी के किनारे होते हैं, देखते हो बह हो जाते हैं, तो उसके फेलियर से बचने के लिए ये जरूरी होते हैं, ठीक है। और जैसे इसके एग्जांपल है रिपरैप वगैरह बना देते हैं, रिपरैप, रिवेटमेंट या बैंक पिचिंग। कहने का मतलब ये है कि जो आपके नदी का किनारा है, ठीक है, नदी का किनारा है, ठीक है, दोनों तरफ, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, पत्थर वत्थर भर दिया पूरा, ठीक है, इधर दोनों तरफ पत्थर वत्थर भर दिया, रिपरैप वही सब होता है, ठीक है। तो वहां पे इससे क्या होता है कि किनारे कभी आपके बहते नहीं है और उसका जो स्टेबिलिटी वो मेंटेन रहती है। इसके बाद आता है आपका पिच्ड आइलैंड। क्या है पिच्ड आइलैंड? ये क्या होता है आपका, आर्टिफिशियल आइलैंड होता है, ठीक है। आर्टिफिशियल आइलैंड यानी खुद से बनाया हुआ। देखिए पिच्ड आइलैंड इज एन आर्टिफिशियली क्रिएटेड आइलैंड इन द रिवर बेड, ठीक है। ये खुद से बनाया हुआ होता है और ये क्या होता है, इट इज प्रोटेक्टेड बाय स्टोन पिचिंग इन ऑल साइड। हम चारों तरफ इसके, यहाँ पे ये तो आपका बस यूज होने लायक है, बाकी पूरा ये स्टोन पिचिंग की गई रहती है, सब जगह ये आपकी स्टोन पिचिंग की गई रहती है जिससे ये प्रोटेक्ट हो सके, नहीं तो ये बह जाएगा, है ना। और कैसे बनाया जाता है, इट इज कंस्ट्रक्टेड विद द सैंड कोर एंड बोल्डर लाइनिंग, ठीक है। कैसे बनाया जाता है, सैंड कोर बोल्डर लाइनिंग से, और इसमें लॉन्चिंग अप्रन भी प्रोवाइड किया जाता है स्कोरिंग से बचने के लिए। किसके लिए बचने के लिए? स्कोरिंग से बचने के लिए, कि कहीं स्कोर हो न जाए, कट वट न जाए, ठीक है। ये आपका है देखिए सेक्शन, इसका क्या है, इसका क्रॉस सेक्शन है जो वही आपने देखा प्लान, ये आपका 15 मीटर, ठीक है। और फिर उसके बाद पूरा देखिए आपका ये सब स्लोप वगैरह, 2:1 का स्लोप, 12 मीटर इधर, इतना ही सब सारी चीजें करके पिच्ड आइलैंड आपकी बनाई गई है, ठीक है। और ठीक है ये आपका हो गया पिच्ड आइलैंड। तो 5 चीजें आपकी थी, लेवीज, ठीक है, गाइड बैंक, ग्रॉयने और बैंक प्रोटेक्शन वर्क और आपका आइलैंड, ठीक है, पिच्ड आइलैंड। तो ये सारी चीजें आपकी हो गई। अब ये आपका हो गया रिवर ट्रेनिंग वर्क क्लियर। क्या हो गया? रिवर ट्रेनिंग वर्क आपका क्लियर हो गया है, ठीक है। अब इसके बाद है आपका वाटर लॉगिंग। क्या है आपका? थोड़ा बहुत एक टॉपिक है वाटर लॉगिंग, उसको कल ही देखते हैं, ठीक है। इसको आज आप एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है। और कल वाटर लॉगिंग के बाद अगर थोड़ा बहुत समय रहेगा तो कुछ पुराने क्वेश्चन करेंगे पहले, ठीक है। और उसके बाद तब आपका आएगा डैम। क्या आएगा? डैम, ठीक है। बिल्कुल उसके लिए परेशान नहीं होना है, कल हो सकता है 20 मिनट में खत्म हो जाएगा, तो कुछ जो सेकंड चैप्टर है आपका, ठीक है, जो उसमें से कुछ क्वेश्चन देखना है, जो ड्यूटी डेल्टा के न्यूमेरिकल थे कुछ उसमें देखेंगे, तो वो चीजें कल करनी है। तो बिल्कुल आप लोग टाइम से आ जाना, परेशान मत होना। ओके ठीक है, ठीक है, आज बहुत कम पढ़ा है। अरे बेटा ठीक है, जरूरी है, कभी कभी कम भी रहना चाहिए, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट चीजें हैं, समझ में आना चाहिए। एक बार इसको दोबारा से जरूर देख लेना लेक्चर, ठीक है, लेक्चर दोबारा से देख लेना, भले स्पीड बढ़ा के देख लेना, ठीक है। चलो, और हाँ अब क्लास कम ही चलेगी ना, इसलिए ऐसा लग रहा कम हुआ, क्योंकि अब 1 ही घंटे क्लास चलेगी, ठीक है, 12 से 1 के बीच में ही रहेगा, इसीलिए तो कह रहे हैं कोशिश करो लाइव आ जाया करो, 1 के 12 से 1 के बीच में ही क्लास चलनी है, 1 घंटा। सेम ऐसे सोम की भी क्लास है, सेम ऐसे आज से सॉइल की भी सीरीज स्टार्ट होने जा रही है, क्वेश्चन सीरीज, तो वो भी 1 ही घंटा की रहेगी। और रवि सर का जो क्लास है वो भी देखते होंगे, लगभग 1 घंटा का ही रहता है, तो सब 1 घंटे का है, ताकि आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि आपके एग्जाम नजदीक है, आप देख रहे हो आपके एग्जाम नजदीक है, इसलिए ऐसे ही किया गया है, ज्यादा पढ़ना चाहिए, ठीक है। नहीं एक्चुअल क्या है ना कि आपके एग्जाम नजदीक है, कुछ आप भी पढ़ो, ठीक है। और सुबह का जो मिक्स क्वेश्चन सीरीज है, विजय बोस सीरीज,
चले रहे वो तो आपका चल ही रहा ना, आपका 2 ढाई घंटे 3 घंटे जितना हो जाता है वो मिक्स चल ही रहा है। तो इसलिए ऐसा किया गया कि आप दिन भर मोबाइल पे भी ना रहो, क्योंकि मतलब इस टाइम पे रिवीजन भी खुद भी करना है, सिर्फ और सिर्फ देखने से नहीं होगा, पढ़ो खुद भी करो। ओके ठीक है, ओके चलो। तो फिर अब इसको हटाते हैं, वाटर लॉगिंग कल से देखेंगे, ठीक है। वाटर लॉगिंग आपका कल से देख लेंगे, और थोड़े बहुत कल क्वेश्चन करेंगे, फिर आपका डैम की डिजाइनिंग, थोड़े बहुत चीजें, या हो सकता है एनर्जी डिस एक्चुअली क्या एनर्जी डिस्पेटर स्पिलवे, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो कल हो सकता है आपका वाटर लॉगिंग और एनर्जी डिस्पेटर स्पिलवे ये कर देते हैं, ठीक है, इतना कर देते हैं। एनर्जी डिस्पेटर स्पिलवे ये जो रह गया है, ठीक है, और आपका थोड़ा बहुत वाटर लॉगिंग है ये रह गया है, और फिर देखते हैं, फिर डैम डैम आपका बचेगा, ठीक है, डैम आपका रहेगा, वो ही हमें करना है अच्छे से। ओके चलो, टाइम अब टाइम हमेशा 12 बजे रहता है, क्लास हमेशा 12 बजे रहती है इरिगेशन की। ओके, और जल्दी ही आपका ये फिनिश हो जाएगा, मे बी इस हफ्ते में आपका खत्म हो जाएगा, और फिर इसके क्वेश्चन अच्छे अच्छे से करने हैं, मस्त एकदम अच्छे क्वेश्चन इसमें करेंगे, ठीक है। और मेरे और भी जो सब्जेक्ट हैं जैसे हाईवे वगैरह है, तो बीच बीच में कभी कभी उसका भी क्वेश्चन ले आते रहेंगे, ताकि जैसे एक होता नहीं कि बीच से एकदम निकल जाता है तो पढ़ना आप लोग भी छोड़ देते हो, ऐसा करना नहीं चाहिए, आप पढ़ते रहा करो, ठीक है, रिवाइज करते, इसलिए कहते हैं शॉर्ट नोट्स एक बनाया करो, अपनी बनाई हुई खुद की शॉर्ट नोट बहुत काम आती है, या फिर आप कोई हैंडबुक वगैरह जो भी अभी से अभी जेनिक का नहीं अवेलेबल है, लेकिन जो आपके पास अवेलेबल है, ठीक है, वो आप देखते रहा करो, लेकिन अपने लेवल का, ये नहीं कि आप ESO गेट लेवल का देख रहे हो। अगर आपको एग्जाम देना हो उसका तब तो ठीक है, आप AEJ की प्रिपरेशन कर रहे हो और हैंडबुक आप देख रहे हो ESO गेट लेवल की, तो भी आपके लिए दिक्कत है, आपको लगेगा यार मैंने शॉर्ट नोट्स तो पूरी पढ़ ली, लेकिन ऐसा होता नहीं। शॉर्ट नोट्स में आप कभी देखो JEE के एग्जाम में इतनी शॉर्ट चीजें पूछ लेता है जो आपके हैंडबुक में नहीं रहती है ना, तो उस तरह की शॉर्ट हैंडबुक लीजिए, ठीक है। चलो थैंक यू, फिर अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप सभी लोग रिवीजन कर लेना अच्छे से, और टेलीग्राम चैनल पे जरूर ज्वाइन हो जाओ, ज्यादा से ज्यादा लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन लव यू ऑल, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।